हैदराबाद जा रहा है का? अभी मालूम नहीं। पर तूने तो कहा था कि तू नहीं जाएगा। हमारे कहने से का हो, हम अपना फैसला खुद कौन ले सकते हैं। हमने कछु कही और बिन लोगों को बुरा लगी तो मार भी पीट भी लगा था। मोड़ी, जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पहुंच जानी चाहिए। समझो ये काम हो गया, आप निस्फिक्र होकर बेफिक्र रहिए, हम आज से ही आसपास के सारे गांव में तलाशी शुरू कर देंगे। उन्होंने महेंद्र ही नहीं अस्पताल की भी हत्या कर दी। उन्होंने आदमी तो हाड़ मास को पुतला होता और बाकी उम्र भी कम होता, पर स्कूल अस्पताल इनकी तो उम्र लंबी होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जनमानस की सेवा करत है। अरे पंचम, तुम जैसे उच्च विचार अगर सभी के होत तो ये धरती पर स्वर्ग नहीं उतर आत। समझ में नहीं आता का हो रहा है जो दुनिया में लुच्चे लफंगे मजा मार रहे हैं और भले आदमी साजे षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, बलि चढ़ रहे हैं। हमने तुम्हारे पति सुहाग सिंह के बारे में कुछ सुनो तो उनको सांप ने काट लो तो हादसा तो हादसा नहीं उनकी हत्या भई थी। का कर रहे हो तुम? कौन बताया तुमको? राजा बाबू के बाप गड़रिया महाराज ने साजिश रची थी और चित्रकूट के सपेरे ने अंजाम दो। कौन कौन बताया? बे अब जब दुनिया में नहीं रहे, जो जांच पड़ताल कर रहे थे ना ईमानदार दरोगा अयोध्या प्रताप सिंह। बताओ मौर्य और दुकरिया को कहाँ छुपा के रखा है? पुलिस की आंखों में धूल ना ठोको, ना तो बीच चौराहा पे खाल निकल देगा तुम्हारा। चल, नहीं चल इसको मत। लाला, अपने घोड़े को बचाओ, हमारी ऊंट के निशाने पे है। मधी कक्का, आधे किलो गुड़ दे दो। भैया अभी दुकान बंद है, थोड़ी देर बाद आइयो। अरे दे दो ना गुड़, तब तक हम तुम्हारे राजा को फंसाते हैं। हाँ, हम उतने गुड़ दे भी ना, जब तक तुम हमारी पूरी चाल बदल दो। भैया तुम जाओ यार, अभी थोड़ी देर में आने लगी हो। चोरी से जाए पर काजी खोरी से न जाए। तने चुरा लाई थी। खबर मिली है गांव में पुलिस मंदर बाबू की तलाश कर रही है। का? ए पंडित, बाहर निकल, बाहर निकल पंडित, न तो दरवाजा तोड़ के घुसेंगे। पंडित आग पावलग, पंडित पावलग। अब पंडित तू ही बता दे कि मौड़ी और डुकरिया को गांव वालों ने कहाँ छुपा के रखा है। नहीं मालूम। नहीं मालूम है? घर घर में जाके पूजा कराओ, तुमको नहीं मालूम है? नहीं साहब, हमें नहीं मालूम। झूठ बोलो कि सच बोलो? नहीं नहीं सच बोले हम। सच बोले हैं, इधर देखो, सच बोलो। जा जा जा, खड़ा खड़ा हमारा मुँह का देख रहा और घर में ढूंढ रहे।
जा रतन सिंह ने तो हद ही कर दी। गुंडन से तो हम निपट लेते, लेकिन वहां ने तो पुलिस पीछे लगा दी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आइए आइए। वालेकुम सलाम। अरे आओ आओ बैठो। मोदी, अरे शायदा, जेबा, अरे कुछ लेके आओ भाई, देखो चचा जान आए हैं। इस समय कैसे? परेशान है, कोई उपाय बताओ अनवर। कैसा उपाय? मंदा और बहू को छिपाने का। सुना है रतन यादव ने पुलिस दौड़ाई है मंदा और बहू को पकड़वाने के लिए। पुलिस गांव गांव घूम रही है, घर घर की तलाशी ले रही है। अगर वो श्यामली में आधम की तो मंदा और बहू को छिपाएंगे कहां? मसला तो पेचीदा है। अगर चाहें तो कुछ दिन हमारे यहां रह सकती हूं। हाँ, चीफ साहब सही कहते हैं, क्योंकि यहां पर पुलिस भी नहीं आएगी। वैसे मोहतरमा से पूछ तो लें, वो हमारे यहां रहना पसंद करेंगी। बहू खोलो, हम हैं कक्कू। कक्कू है, जा। क्या हुआ? पुलिस आ गई का? अबे तो नहीं आई है, कभी भी पुलिस आ सकती है। हे भगवान, अब क्या करे? मोतीलाला और चीफ साहब ने कछु तय करो है। तय क्यों है? यही कि तुमको परेशानी ना हो तो का? यही कि बहू तुम और मंदा चीफ साहब के घरे रह सकती हो, वहां पुलिस नहीं आएगी। वहां कैसे रह सके? वो लोग तो मुसलमान है ना। उनके छत पे एक अलग से कमरा है, वहां रह सकती हो, वहां पुलिस नहीं आएगी। हमार खाबे पीबे का? वो चिंता ना करो बहू, खाना हम भिजवा दिए। तुम तो अपना सामान रखो, हम देखते हैं जाबे को का इंतजाम है। देखो बिन्नो, वहां जाके तुम जरा अलग थलग रहना, क्योंकि उनका खान पान रहन सहन हम लोगों से अलग है, समझे बिटिया? वो तो तुम्हारी जान को खतरा ना होता ना तो हम कभी नहीं जाते। ठीक है, समझ गई ना? चलो सामान बांध ले। बहू जिलो बुरका पहन ले। नहीं नहीं, हम बुरका उरका नहीं पहनेंगे। नहीं कोई पहचान ले है और पुलिस को बता दे तो बहुत मुश्किल हुए। हाँ बहू पहन लो। हम भी पहने का? हाँ हाँ बेटा। बहू खुद के लाने ना सही, बट जब मोड़ी के लाने तो पहन लो। ठीक है भैया। बेटा पहनवे मदद कर दो।
के अंदर तो सब अंधेरा अंधेरा लग रहा है, कहीं हम भड़बड़ा के गिर पड़े तो। मकरन, हमारी कहानी की किताब चीफ साहब के घर पर लाकर दे देना। हाँ ठीक है, और मैं तुमसे मिलने भी आता रहूंगा। ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है, जब आप कोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि जो लोग वहां रह रहे हैं, प्रकाश लोगन को भी नहीं। ठीक है, और बहू हम आपको सामान बाद में भिजवा दें, अब चलें। जी चलते। पर बहू हम इतने क्यों रुक गए? अरे बन्ने भाई, हमारा जी बहुत घबरा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने जा रहे हैं। एक मिनट भगवान का दर्शन करके आए, आशीर्वाद ले ले तो हमको जरा शांति मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ पर बहू, गुरके में आपको लोग मंदिर में देखेंगे तो क्या कहेंगे? लो तो इसमें क्या परेशानी है, ये लो, ये पकड़ो बिटिया, पकड़ो, ये पकड़ो। बहू ऐसे में तो लोग आपको पहचान लेंगे, हमारी मेहनत तो धरी की धरी रह जाएगी। अरे बिटिया तुम फिक्र ना करो, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेंगे ना तो सब सही हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। हाँ हम बच गए और आए। बाऊ हम भी चले, हमें भी भगवान का आशीर्वाद लेना है। अरे नाना बिन्नो तुम इतने ही रहो जय बाबा के पास, हम भगवान जी से तुम्हारे लाने आशीर्वाद ले लेंगे। ठीक है तुम इतने ही रहो। हम गए और आए। बाऊ बंदा की फिक्र ना करो, जाओ जल्दी दर्शन करके आओ। हनुमान जी, हे संकट मोचन, तुम तो पल भर में भक्तजनों के संकट दूर करते हो, हमारे और मंदा के भी संकट दूर करो महाराज, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, डाल से छुड़े पत्ते जाए इतने उतने उड़े जा रहे हैं, पति को सांप ने डस के तुम्हारे द्वारे पहुंचा दियो, बेटा को अस्पताल खा गयो, अब बस से बोणी बची है वो को लेके हम इतने उतने भाग रहे हैं, अब चीफ साहब के यहाँ जाबे की मजबूरी आ गई है, उतने हमसे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्षमा करना प्रभु। न सुख रहो न संपत्ति, गली गली के होके रह गए हम, घर द्वार जमीन जायदाद खड़ी फसल सब छोड़ के भागे हैं, अब हमरे तन में भी कष्ट ही कष्ट रहते है, तो हमारी विनती है प्रभु कि हमारो और मोड़ी के कष्ट को हरो, इसकी अम्मा और वो रतन सिंह को सद्बुद्धि दो। हे प्रभु हमारी मंदा को पुलिस पकड़ न लाए। बहू अभी तक कह नहीं आई, हम जाके देखें? नहीं, लोग तुम्हें पहचान लेंगे, हम जाके देखते हैं। हम लेकर आते हैं बहू को।
तुम नहीं बेटा, तुम नहीं हमें बहू के पास जाना नहीं, है मत जाओ तू। हमें बहू के पास जाना नहीं बेटा। हाय अल्लाह, ये तो बुरखे मेरे। था ना कि नहीं आना इधर, चलो। एक सर जलेबी देना। जलेबी? क्या बात है बंदे भैया, कौन खास मेहमान तशरीफ लाए का? हमारी चाची आई है। चाची जान किधर से? पंजाब, पंजाब में पठानकोट से आई है। पठानकोट जे कितने है भैया? पाकिस्तान, पाकिस्तान में है पठानकोट। अरे भैया, ना हम कभी पैंट पहने हैं ना कोट, हम कहाँ जाने पठानकोट। अरे बन्ने मियाँ, मोहतरमा पाकिस्तान से आई हैं क्या? अब पायसू भिजवाऊं क्या इनके लिए? रफीक भाई, तकलीफ की जरूरत नहीं है, हमारी मोहतरमा बाहर का नहीं खाती हैं। जी अच्छा। बहू, आज रात आप यहीं आराम कीजिए, कल सवेरे हम आपका कमरा तैयार करवा देंगे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी ना। कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है बहू? बिनो बैठ जा। तू ही बता दे, ये गांव वाले मौड़ी और डुकरिया को कहां छुपा के रखा है? हमें पता नहीं है। मुंह काट, तमाचा हो रहा है। चलो तशरीफ रखें। बहू, ये आपका कमरा है और गुसल के लिए आपको बार बार ऊपर नीचे चढ़ने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, पर तुम ऊपर नीचे कूदती फांदती रहना। और हां, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप बेहिचक जेबा को आवाज दी। जेबा बेटे, बहू का ख्याल रखना। शाकाहारी खाना है, बर्तन भी नए इस्तेमाल किए हैं। नहीं नहीं, हम लोग खाना खा के आए हैं, अच्छे से खा के आए। बहू, हमें भूख लग रही है, हम खा लें? अरे अबू तो खाया था, औरत जात को इतो भूख लगना ठीक नहीं। चुपचाप बैठो। बहू, आप तकल्लुफ ना करें, इसे अपना ही घर समझे। नहीं नहीं चीफ साहब, वैसा कुछ नहीं है, वो तो कहा है कि हम लोग सच में अच्छे से खा के आए हैं दोनों, और हम लोगों के खाने पीने के लिए आप चिंता मत करें। कक्को ने कही है कि वो हमारे खाने का डिब्बा भिजवा देंगे। आप लोगों ने हमें
यहाँ शरण दी वही बहुत बड़ी बात है। पंचम, क्या बात है? मंदा आ रही का? नहीं, इतना तो नहीं आई। का? अपहरण तो नहीं करवा दो बाको को रतन यादव ने? कछु पतो चलो का? अरे कि तुम पतो नहीं चले के थे? सब जगह तो ढूंढ लाए, अब का करें?